हेलो स्टूडेंट्स, मैंने कल आपको पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का क्वेश्चन नंबर 9 समझा दिया था, ठीक है ना, जिसमें पार्टनरशिप डीड एग्रीमेंट बनाया गया था, ठीक है ना, जिसके थ्रू हमने जो जो चीज लिखी थी वो वो चीज फॉलो करके क्वेश्चन कंप्लीट कर। अब क्वेश्चन नंबर मैं 6 आपको करवाऊंगा, ठीक है ना। यहाँ ऊपर हेडिंग में दिया है कि साझेदारी समझौते के अभाव में लाभ विभाजन, ठीक है ना, एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। यहाँ पर जो पार्टनरशिप डीड है वो एब्सेंस है, ठीक है ना, मतलब पार्टनरशिप डीड नहीं बनी, इनके बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है था। तो अब कंडीशन में हम किस तरीके से अकाउंट, सबसे पहले वही पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेट दे रखी है क्वेश्चन में 1 जनवरी 2018, तो आप कौन सी डालोगे, 31 दिसंबर 2018, ठीक है ना, ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, परमिट हमारा पर्टिकुलर अमाउंट, ये हो गया हमारा फॉर्मेट। अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम लोग। लिखा है ऑन 1 जनवरी 2018 ए एंड बी आर पार्टनर इंप्लॉइंग कैपिटल ऑफ रुपीज 1 लाख एंड 1,20,000 रिस्पेक्टिवली। 1 जनवरी 2018 को ए और बी दो पार्टनर है, ठीक है ना, जिनकी कैपिटल 1 लाख और 1,20,000 रुपए की है। अब आगे दिया है ऑन द सेम डे, उसी दिन, मतलब कौन से दिन, 1 जनवरी 2018 के दिन ए गेव अ लोन टू द फर्म ऑफ रुपीज 45,000। ए ने कितने 45,000 रुपए का लोन दिया है उस फर्म को, बिजनेस को। आगे द प्रॉफिट ऑफ द ईयर इज रुपीज 45,000, और प्रॉफिट भी कितना दिया, 45,000, मतलब लोन भी उसका 45,000 का, प्रॉफिट भी 45,000। हाउ विल यू डिवाइड द प्रॉफिट बिटवीन द पार्टनर्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ठीक है ना। उसमें मिला है कि साझेदारी समझौते के अभाव में आप साझेदारों के में लाभ का विभाजन किस प्रकार करेंगे, लाभ हानि खाता बनाकर बताइए, ठीक है। हमने बना लिया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, प्रॉफिट बाय प्रॉफिट अकाउंट, कितने का प्रॉफिट 45,000 लिख दिया हमने, 45,000। अब आती बात की भैया अब उनका प्रॉफिट कैसे डिवाइड करना, तो मैंने आपको थ्योरी बेस पर समझाया था और लिखवाया भी था कि पार्टनरशिप डीड जो रहती है वो हमारा एग्रीमेंट रहता है, उसमें जो जो चीजें देते हैं उस हिसाब से उसको देना पड़ती है, जो हमने क्वेश्चन नंबर 9 में कराया है। हमने जो जो चीजें बोली कि भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, सैलरी देना है, ठीक है, सब हमने दिया, ठीक है, सैलरी कमीशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्रॉइंग वगैरह सब हमने करा दिया। बट यहाँ पर क्या होता है ना कि जब एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड आती है, ठीक है ना, जब पार्टनरशिप डीड नहीं बनी होती तब सिर्फ एक ही रूल फॉलो होता है, वो होता है इंटरेस्ट ऑन लोन का, ठीक है ना, किसका होता है, इंटरेस्ट ऑन लोन का, वो भी होता है ईयरली 6%, ईयरली 6%। यहां पर आप ये इसमें नहीं लिखना, मैं अलग से बता रहा हूं, इसी में बता रहा, ठीक है, आप इंटरेस्ट ऑन लोन, सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं आएगा, इंटरेस्ट सैलरी नहीं आएगी, कमीशन नहीं आएगा, ठीक है ना, ये हो गया। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ये भी नहीं आएगा, सिर्फ क्या आएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन वो भी 6%। इसका रेट फिक्स है, हमेशा याद रखना कि 6% ही इंटरेस्ट ऑन लोन हमें देना है। क्वेश्चन में उसने भली पार्टनरशिप की एब्सेंस बताई हो, क्वेश्चन में लिखा होगा कि यहाँ पर पार्टनरशिप की एब्सेंस है और उस पर अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी कमीशन सब चीज दिया, आपको कुछ नहीं देना, ठीक है, आपको उस क्वेश्चन के रूल के हिसाब से फॉलो ही नहीं करना है, आपको सिर्फ एक चीज फॉलो करने की एब्सेंस है तो सिर्फ इंटरेस्ट पर लोन देंगे, वो भी 6%, भले उसने 50% की क्या 100% की रेट की हो, ठीक है ना, आपको सिर्फ
6% इंटरेस्ट ऑन लोन देना है, वो भी ईयरली। अगर 5 महीने का दिया हो तो 5 महीने का, 6 महीने का हो तो 6 महीने, ठीक है ना। और जो प्रॉफिट एंड लॉस जो रहेगा वो होगा इक्वली या बराबर, ठीक है ना, जो भी रहेगा बराबर। जैसे अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में करा था, उनका इंटरेस्ट और कैपिटल दिया था, लिखा था क्वेश्चन, सैलरी दी थी, कमीशन दिया था, प्रॉफिट जो था उनका, जो रेशो था उस हिसाब से बांटा था, मतलब 2:1:1 के रेशो। यहाँ पर सब चीज क्या है हमारी, इक्वल है, ठीक है। यहाँ ना हमें ये देना है, ये देना है, ये देना है, ये देना, कुछ नहीं देना, हमें सिर्फ इंटरेस्ट और लोन देना 6% और प्रॉफिट एंड लॉस बांटना बराबर। उसने बोला क्वेश्चन में इंटरेस्ट और लोन 10%, तो हमें नहीं मतलब 10% से, हमें किससे मतलब 6%। उनने बोला प्रॉफिट और लॉस है वो 2:1:1 के रेशो में बांटे, किसी भी रेशो में बांटे, हम नहीं बांटे, हम किसमें बांटेंगे, बराबर के रेशो। उसने बोला 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हम नहीं देंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला है कि जब अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई तो आप सिर्फ ये दो चीज़ दोगे, वो भी इस रेशो जो हमने डिसाइड करा आपके हिसाब से। हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, मैंने प्रॉफिट आपको लिखवा दिया है, बाय प्रॉफिट अकाउंट 45,000। अब क्वेश्चन में भी नहीं दिया हमें तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी वगैरह कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ कैपिटल दिया, तो हमसे मतलब नहीं आएगा। लोन दिया है उसी दिन, मतलब कब दिया, 1 जनवरी के दिन। हमारा अकाउंट कब बना रहा, 31 दिसंबर, मतलब पूरे साल का दिया है। लिख देते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन कितना आएगा, 45,000 इंटू 6/100, ठीक है ना, तो 0 से 0 क्रॉस हो गया, कितना बचा 450, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमने
क्या वो डिसाइड करा अभी यार 1:1 में बांटना है मतलब 1:1 बराबर कितना हो गया 1/2 1/2 ठीक है। तो अब मैं इसको डिवाइड कर देता हूं 42300 डिवाइडेड बाय 2 2 4 2 2 2 1 2 1 1 5 0 हमारा आंसर आ रहा है हां ये हो गया 21150 21150 टोटल कितना हो गया 45000 और इधर का भी टोटल कितना हो गया 45000 हमने ये हमारा एक्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डेट के साथ में क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है आप इसे नोट कर लीजिए ठीक है ना। अब हम आगे यही क्वेश्चन आगे के ठीक है ना आपको क्वेश्चन नंबर 7 और 8 दो क्वेश्चन है आपको होमवर्क में करने हैं ठीक है ना। लिखा बहुत कुछ है उन क्वेश्चनों में ठीक है ना। हालांकि 7 नंबर के क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें लिखी 8 नंबर के क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें आपको किसी चीज से कोई मतलब नहीं रखना आपको सिर्फ किस चीज से मतलब रखना इंटरेस्ट ऑन लोन और प्रॉफिट वो भी इक्वली ठीक है क्लियर है यहाँ पे। इसके अलावा भी आपको कोई डाउट आता है तो मैं उससे पूछ लेना मैं उसको क्लियर कर दूंगा। यहाँ पर आपके दो क्वेश्चन कंप्लीट हो गए 9 नंबर का और 6 नंबर का ठीक है ना। बाकी का आप सभी कर लेंगे और नहीं आएगा तो मैं वही भी बताने के लिए ठीक है। थैंक यू।